दीपालपुर में ईद के तीसरे रोज भी बच्चों की मौज मस्तियां जारी है। मजीद जानते हैं चौधरी नियाज अहमद सहू से। जी चौधरी नियाज जी, बिल्कुल, आज ईद का जो है वो तीसरा दिन है। इस तीसरे दिन को बच्चे कैसे ईद की खुशियां एंजॉय कर रहे हैं ये जानते हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं। आज ईद का तीसरा दिन है, हम सब दोस्तों ने मिल के पिज्जा मंगवाया और पिज्जा पार्टी कर रहे हैं और ईद की खुशियों को दुबाला कर रहे हैं। आज ईद का तीसरा दिन है, हम अपने मम्मा के हाथ के खाने खा के बोर हो गए थे और आज मैं अपनी दोस्तों के साथ बाजार आई हूँ गोलगप्पे खाने, पिज्जा पार्टी करने और ईद की खुशियों को दुबाला करने। खा कर बोर हो गए थे तो आज हम आए थे बाहर, दोस्तों के साथ प्लान करके बाहर आए थे। आज हमने गोलगप्पे खाएंगे, पिज्जा पार्टी करेंगे और ईद की खुशियों को एंजॉय करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि बच्चों का यही कहना था कि घर के जो मम्मा के बने बने जो पकवान है खाकर बोर हो चुके हैं, अब जो ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ आए हैं, गोलगप्पे और पिज्जा पार्टी कर रहे हैं और ईद की खुशियों को खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि बच्चों का यही कहना था कि घर के जो मम्मा के बने बने जो पकवान है खाकर बोर हो चुके हैं, अब जो ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ आए हैं, गोलगप्पे और पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं और ईद की खुशियों को खूब इंजॉय कर रहे हैं।